फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12, और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि 7.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 11 से हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपॉन में यहां हमें कुछ दिखाई दे रहा है x², तो जैसे हम डिफरेंशिएट में देखो अप्रोच, एक्चुअली में आप लोगों को दिक्कत क्या आती है कि आप इंटीग्रेशन करने से पहले डिफरेंशिएट ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो बहुत जल्दी आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला याद आ जाता है। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में ऐसा कोई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला नहीं होता है। तो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में जो भी है या तो वो सॉल्व करने के लायक होना चाहिए, मतलब किसी फॉर्मूले में अगर एज इट इज यूज हो रहा है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज जहां पर जो भी डिनोमिनेटर में है वो हमें रिमूव करना होता है। तो देखिए कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन तो इजी है। हम यहाँ पर जो x² है उसको सभी टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4x² dx। So, x² to x² cancel and x² to x² cancel. So, here x plus 5 minus 4 भी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि 1 by x अगर होता था तो हम log x कर लेते थे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि 1 by x के अलावा एक्स्ट्रा पावर हो, पावर 2, पावर 3, पावर 4, इस तरह से अगर कुछ चल रहा हो तो पहले हमें कहां ले जाना होता है, इनवर्स में। तो हम इसको कितना लिख लें, 4x की पावर माइनस 2, और अब हम इसका इंटीग्रेट करने के लिए रेडी हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल टाइप में क्वेश्चन बन गया। x टू द पावर n में ये भी है, x टू द पावर n में ये भी, और x टू द पावर n में यहाँ भी है। बोले सर यहाँ कैसे है, x टू द पावर 0 तो है भाई, कुछ नहीं है तो, है ना। इसलिए तो इंटीग्रेट हमने किया, तो यहाँ पर है x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 5। अभी मैंने आपको बोला कि जहां पर कुछ नहीं होता x टू पावर 0 हम कंसिडर करते हैं। अच्छा, x टू पावर 0 क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 इट मींस व्हाट, 1, और 1 तो हम कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई x टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 ऐसा होता है एक्चुअली। या कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांस्टेंट में डायरेक्ट हम x को जहां कांस्टेंट होता है कांस्टेंट इनटू x कर देते हैं। वो क्यों कर देते हैं, x टू द पावर 0 प्लस 1 और अपॉन में 0 प्लस 1 माइनस 4x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1। देखिए इसलिए हमें यहाँ पावर को प्रॉपरली सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल पावर क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे पावर इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपको दिखने में वो छोटी दिख सकती है। किसी को ऐसा लग सकता है जैसे माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो रहा, पहले 2 था और अब 1 हो गया, ऐसा नहीं है। माइनस 2 जो है वो ज्यादा छोटा था। तो x टू बार x² अपॉन 2 प्लस 5x x की पावर 1 माइनस 4x टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 2। सो माइनस 2 माइनस विल बी प्लस हियर एंड 2 टू सा 4, सो n प्लस c। So finally your answer will be x² by 2 plus 5x plus 2 upon x. ये होगा 2 by x. X inverse जो था उसको मैंने upon में कर दिया plus c. This will be the answer. तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जो questions हम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं और कैसे ये complete हो रहे हैं। Next question को देखते हैं जल्दी से। Question number 12. नंबर 12 इज ट्वेल्व x³ प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट एक्स इंटीग्रेशन। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगेन मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, तो
एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 बाय रूट एक्स डीएक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स टू दी पावर 3 माइनस हाफ। माइनस क्यों जी, बिकॉज रूट एक्स इज एक्स टू दी पावर हाफ, और आप जानते हैं कि अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या होती है, लेस होती है। सो एक्स टू दी पावर 3 एक्स टू दी पावर 1 माइनस हाफ, ये 1 ऑलरेडी इसकी पावर होती है आप जानते हैं, प्लस 4 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ। ये यहाँ पे जो इनवर्स मैंने आपको बोला था, इसको हम ऊपर लेकर पावर हाफ थी ऊपर है इनवर्स में। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारा रेडी है इंटीग्रेशन के लिए, छोटा सा सॉल्यूशन यहाँ पे जरूरत है तो वो हम कर लेते हैं। 6 माइनस 1 मतलब 5 बाय 2, सो एक्स टू पावर 5 बाय 2 डीएक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन एक्स टू पावर हाफ डीएक्स प्लस 4 एक्स टू पावर माइनस हाफ डीएक्स, इंटीग्रेशन एंड डीएक्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो एक्स टू पावर 5 बाय 2 विल बी व्हाट, एक्स टू पावर 5 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 5 बाय 2 प्लस 1 प्लस 3 इंटीग्रेशन, सॉरी हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया है तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक्स टू दी पावर 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस 4 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। सो फाइनली आवर आंसर विल बी 5 बाय 2 प्लस 1, दैट इज 5 प्लस 2 7 बाय 2। सो एक्स टू दी पावर 7 बाय 2 अपॉन 7 बाय 2 प्लस 3 एक्स टू दी पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 प्लस 4, यहाँ पे प्लस सी, जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है हम सी यूज करते हैं, इसलिए इसी स्टेप में मैंने सी यूज कर लिया। 4 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1, इट मीन्स एक्स टू दी पावर हाफ अपॉन हाफ। सो फाइनल आंसर विल बी व्हाट, 2 बाय 7 एक्स टू दी पावर 7 बाय 2 प्लस 3 2 3 कैंसिल एंड 2 विल बी रेसिप्रोकल हियर, सो 2 एक्स टू दी पावर 3 बाय 2 प्लस 4 2 जा 8 एक्स टू दी पावर हाफ। यू कैन ऑल्सो राइट रूट हियर वेयर पावर 2 इज यूज्ड। In this manner, we will solve this question. Next question is again 13, and solution of this question will be 3 x³ - x² + x - 1 and x - 1. Again, here is a factor that is x minus 1. So हमारे पास भी ऊपर क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हमने इसको फैक्टर के लिए फॉर्म में बनाया, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन प्लस, यहां एक्स माइनस वन ऑलरेडी है तो हम सिर्फ 1 कॉमन लेते हैं, 1 एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो अब यहां देखेंगे एक्स माइनस वन फैक्टर यहां पर भी है, एक्स माइनस वन फैक्टर यहां पर भी है, तो वी कैन टेक कॉमन। इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन कैंसल एंड फाइनली इंटीग्रेशन विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 dx एंड आंसर विल बी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी, दिस विल बी द आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 हमने अभी किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।